गोविंद डोटासरा ने राजनीति को व्यवसाय नहीं समझा मैरिया साहब, आपकी तरह मैंने व्यवसाय नहीं समझा राजनीति को, दिल से करता हूं, अपनेपन से करता हूं, जिसकी मदद होती है मदद करता हूं, जिसका काम नहीं हो सकता हाथ जोड़ के मना करता हूं। आपने जिंदगी में चकमे दिए लोगों को और आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। ये जो मिशन है, हर पंचायत में पीएचसी होनी चाहिए, हर पंचायत में किसान के बिजली के लिए ग्रेड होना चाहिए, हर पंचायत में 24 घंटा हर व्यक्ति के लाइट आनी चाहिए, हर स्कूल के मायने पूरा कमरा होना चाहिए, हर स्कूल में पूरा मास्टर होना चाहिए, हर स्कूल के मायने जबकि विषय पढ़ना चाहे वो विषय होना चाहिए। राजस्थान की सियासत में एक से एक सूरमा अपनी किस्मत आजमा रहा है। कोई राज परिवार से है तो कोई विरासत में मिली राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है। लेकिन आज हम एक ऐसे नेता के बारे में बताएंगे जिसने सामान्य से किसान परिवार में जन्म लिया, जिसने बचपन से ही संघर्षों की सीढ़ी चढ़ी, जिसने अच्छे अच्छों को सियासी मैदान में पटखनी दी और आज राजस्थान की राजनीति के केंद्र में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा की। कौन है गोविंद सिंह डोटासरा, कैसे रखा राजनीति में कदम, बताते हैं आपको। प्रदेश कांग्रेस में तेज तर्रार और हाजिर जवाब नेता के रूप में स्थापित हो चुके गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1964 में लक्ष्मणगढ़ तहसील की कृपाराम की ढाणी में हुआ। वहीं खुद डोटासरा ने बीकॉम, बीएड और एलएलबी की डिग्री हासिल की है। वे पेशे से अधिवक्ता हैं और करीब 20 साल तक सीकर में ही वकालत की। वकालत के पेशे से साल 2005 में राजनीति में आए डोटासरा अपने पहले कदम से ही सफलता के शिखर पर चढ़ते गए। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से सदस्य का पहला चुनाव लड़कर सफलता हासिल की और पहली ही बार में प्रधान के पद पर आसीन हो गए। प्रधान रहते हुए साल 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। इसके बाद साल 2013 में पार्टी ने उनको दूसरी बार लक्ष्मणगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा तो वे फिर विजयी रहे। इस पर उनको पार्टी में सचेतक का पद मिला। इस दौरान वे विधानसभा में अपने तेज तर्रार स्वभाव और हाजिर जवाबी के कारण चर्चा में आए। अगर मेरी एक पंचायत का काम और उनके पूरे तहसील के 15 साल के एमपी में रहते हुए काम, अगर मेरा काम एक पंचायत का उसके 15 साल के लक्ष्मणगढ़ पूरे के काम से ऊपर नहीं हो तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा तूने क्या किया। अपने राजनीतिक करियर में 7 साल तक डोटासरा ने जिला अध्यक्ष के तौर पर सीकर में पार्टी की कमान संभाली। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ से जीत की हैट्रिक लगाई तो पार्टी ने उनको शिक्षा राज्य मंत्री के पद से नवाजा। शिक्षा राज्य मंत्री पद पर रहते हुए डोटासरा ने शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन किए। मिशन है हर पंचायत में पीएचसी होनी चाहिए, हर पंचायत में किसान के बिजली के लिए ग्रेड होना चाहिए, हर पंचायत में 24 घंटा हर व्यक्ति के लाइट आनी चाहिए, हर स्कूल के मायने पूरा कमरा होना चाहिए, हर स्कूल में पूरा मास्टर होना चाहिए, हर स्कूल के मायने जबकि विषय पढ़ना चाहे वो विषय होना चाहिए। इस बीच सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पनपे सियासी विवाद के बाद अध्यक्ष पद खाली हो गया, जिसके बाद पार्टी ने डोटासरा पर भरोसा जताया और प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने बिखरे हुए कुनबे को एक किया और पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया। वहीं डोटासरा अपने विरोधियों पर बेबाकी से वार पलटवार भी करते हैं। गोविंद डोटासरा ने राजनीति को व्यवसाय नहीं समझा मैरिया साहब, आपकी तरह मैंने व्यवसाय नहीं समझा राजनीति को, दिल से करता हूं, अपनेपन से करता हूं, जिसकी मदद होती है मदद करता हूं, जिसका काम नहीं हो सकता हाथ जोड़ के मना करता हूं। आपने जिंदगी में चकमे दिए लोगों को और आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो। यही नहीं,
गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की सियासत में अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर भी स्थापित कर लिया है, जिसकी कई बार कांग्रेस हाईकमान भी सार्वजनिक तौर पर तारीफ कर चुका है। बात एक ही है कि गोविंद डोटासरा एक अध्यापक का बेटा, किसान का बेटा, बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर के बोलता है, आरएसएस के खिलाफ मुखर होकर बोलता है, राजेंद्र जी राठौड़, सुभाष जी मैरिया, किरोड़ी लाल जी मीना 2-2.5 साल से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो डोटासरा के पिता मोहन सिंह शिक्षक थे, डोटासरा की पत्नी सुनीता भी सरकारी शिक्षिका हैं। इनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अभिलाष इंजीनियर तो छोटा बेटा अविनाश राजस्थान लेखा सेवा में अधिकारी हैं। छोटे बेटे की बहू राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, वे अभी सीकर जिले में ACM के पद पर स्थापित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइफ।